हेलो एवरीवन, तो फाइनली कल 16 अगस्त को तुम्हारा कॉलेज हो जाएगा अलॉट और तुम्हें पता चल जाएगा कौन से कॉलेज के अंदर तुम्हें कौन सा कोर्स मिला है। तो सबसे पहले ये गलती मत करना कि एक्सेप्ट का ऑप्शन ही क्लिक नहीं करा, और एक्सेप्ट ऑप्शन क्लिक करने की डेट है 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। अगर तुमने एक्सेप्ट का ऑप्शन क्लिक नहीं करा तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। फिर इसी बीच होगी तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जो तुमने CSS फेज 1 में भरे थे। अभी सिर्फ ऑनलाइन वेरीफिकेशन होगी, फिजिकल वेरीफिकेशन जब तुम कॉलेज चले जाओगे उसके बाद होगी। क्वेरी सेक्शन को देखते रहना क्योंकि अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी छूट गई गलती से तुम्हारा फॉर्म तब भी हो सकता है रिजेक्ट। क्वेरी अगर रेज हुई तो उसको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के अंदर रिजॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जितनी भी फर्दर प्रोसीडिंग्स है वो भी डिले हो सकती हैं। फिर है ऑनलाइन फी पेमेंट जो है 21 अगस्त तक। ये तुमने ये नहीं सोचना कि अरे मुझे तो मेरा मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, कोर्स नहीं मिला, मैं क्यों इसकी फ़ीस पे करूं। तुम्हें उस कॉलेज की फ़ीस पे करनी है चाहे तुम्हें वो पसंद है चाहे नहीं पसंद है। अगर तुमने नहीं करा तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। तो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले एक्सेप्ट का ऑप्शन क्लिक करना, क्वेरी सेक्शन को देखते रहना, और फीस टाइम पर पे करना, ठीक है। इसके बाद आएगा अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है तो उसको जरूर चेकआउट करना, एंड प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अब आने वाले टाइम पे मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर आती रहूंगी। बाय बाय।